दोस्तों आज हम एक ऐसी कार कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने भारत में करीब 30 सालों तक राज किया और इस कार को रखना एक समय लोगों के लिए इज्जत की बात हुआ करती थी। जिस कार कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे कि इसके शानदार लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता है। और दोस्तों यह कार लोगों के लिए एक कार कम और एहसास ज्यादा हुआ करती थी। भारत के ना जाने कितने भाई बहनों ने इस कार की आगे वाली सीट के लिए लड़ाई की है और ना जाने कितने लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने में इस कार ने उनका साथ निभाया है। और एम्बेसडर कार ही एक ऐसी गाड़ी थी जो कि ना केवल बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और ऑफिसर्स की पसंद हुआ करती थी, बल्कि आम लोग भी इस कार के उतने ही दीवाने थे। और इसका मुख्य कारण यह था कि इसके प्राइस को एक मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती थी। और दोस्तों अभी तक की स्टोरी से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस कार में जरूर ही कोई खास बात थी। तो चलिए दोस्तों क्यों ना हम इस कार की स्टोरी को शुरू से डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 62 साल पहले से, जब 1956 में हिंदुस्तान मोटर्स ने ब्रिटिश मोटर कारपोरेशन से उनके दो कार्स मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 1 और सीरीज 2 के कार बनाने का लाइसेंस ले लिया और फिर अपनी कार हिंदुस्तान 10 और लैंडमास्टर बनाई। और फिर मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के तर्ज पर 1958 में एम्बेसडर बनाई गई, जिसका डिजाइन उस समय के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त था और इसमें मौजूद जगह भी काफी थी। और इस कार को जिन्होंने डिजाइन किया था उनका नाम था एलेक इसिगोनिस और यह कार पूरी तरह से मेड इन इंडिया फेल हुआ करती थी। और दोस्तों बता दो कि हिंदुस्तान मोटर्स बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1942 में बीएम बिरला ने की थी। और एम्बेसडर कार्स के उस टाइम तक जो कॉम्पिटिटर्स थे उन कार्स का नाम था प्रीमियम पद्मिनी और स्टैंडर्ड 10। लेकिन इन कारों की तुलना में एम्बेसडर का डिजाइन और इसके अंदर का स्पेस इसके लिए एक प्लस पॉइंट हुआ करता था, जो इसको न केवल दूसरी कंपनियों के कारों से बेहतर बनाता था बल्कि यही वजह थी कि यह कार लोगों के जज्बातों से जुड़ सकी। और अपने शुरुआती दिनों से करीब 80 के दशक तक यह कार पूरे भारत में राज करती रही। लेकिन अभी तक जितनी ऊंचाइयों को इस कार ने देखे थे अब वह समाप्त होने वाला था, क्योंकि मारुति सुजुकी ने अपनी कम कीमत वाली गाड़ी मारुति 800 लॉन्च कर दी थी, जो कि 1983 में करीब 53,000 रुपए का मिलता था। और इसी कार के लॉन्चिंग के बाद से ही एम्बेसडर ने भारतीय कारों की दुनिया में दबदबा खोना शुरू कर दिया। और इसी तरह से आगे चलकर 90 का दशक एम्बेसडर कार्स के लिए और भी बुरा साबित हुआ, क्योंकि देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आनी शुरू हो गई थी। हालांकि एम्बेसडर कार को 1992 में फुल बोर मार्क 10 के नाम से यूके में बेचने की कोशिश की गई और कार्स में कुछ बदलाव जैसे सीट बेल्ट और हीटर लगाए गए जिससे कि वह यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड पर काम कर पाया। हालांकि यूके में इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया और इसी वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और आखिरकार 2014 में फाइनेंशियल परेशानियों के चलते ही इन कार्स का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। और फिर आगे 1 फरवरी 2017 को एम्बेसडर को एक फ्रांसीसी कंपनी PSA ग्रुप ने महज 80 करोड़ की रकम के साथ खरीद लिया। और बस एक समय तक सबका पसंदीदा होने वाले एम्बेसडर कार का सफर समाप्त हो गया। वैसे तो अपने शुरुआत से लेकर अब तक एम्बेसडर कार्स के कई सारे मॉडल्स आते रहे, जिसमें मार्क 1 सबसे पहला था जो कि 1957 से 1962 तक बनाया गया। इसके बाद आया मार्क 2 जो कि 1962 से 1975 तक बनाया गया। कार की तीसरी जनरेशन मार्क 3 1975 से लेकर 1979 तक बाजार में रही। और फिर मार्क 4 या फिर कह लीजिए कि एम्बेसडर की चौथी जनरेशन 1979 से 1990 तक बनी रही। और फिर पांचवें जनरेशन के तौर पर एम्बेसडर नोवा आई, यह 1990 से 1999 तक बाजार में थी। और फिर एम्बेसडर कार की छठी जनरेशन का नाम 1800 ISZ था, जिसे कि 1992 से 2011 तक बनाया गया था। इसी बीच एम्बेसडर एविगो नाम से भी एक कार लॉन्च की गई थी, जिसे कि बाजार में वापसी के लिए हिंदुस्तान मोटर्स ने एक स्ट्रैटेजी के तहत लॉन्च किया था, लेकिन यह कार भी कंपनी को बचाने में नाकाम रही। और फिर 2013 में एम्बेसडर का आखिरी मॉडल लॉन्च किया गया जिसका नाम था एम्बेसडर एनकोर। यह कार BS4 मानकों पर आधारित थी
लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर वापसी नहीं कर सकी। और शायद इस कार के वापसी न कर पाने की यह भी वजह थी कि इसने अपने ट्रेडिशनल डिजाइन को कभी भी नहीं छोड़ा। और दूसरी कार कंपनीज लोगों के दिमाग को पढ़ते हुए समय के साथ साथ आगे बढ़ती रही और अपने डिजाइन में बदलाव करते हुए लोगों के मन को भाती रही। बहरहाल कुछ भी हो, एम्बेसडर कार की जगह हमारे दिलों में हमेशा रहेगी और किंग ऑफ इंडियन रोड्स तो हमेशा से ही इसी के साथ जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि आपको एम्बेसडर की यह स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।